फ्रेंड्स, मैं अपर्णा दुबे। आज हम देखने जा रहे हैं स्टैटिक डेटा मेंबर एंड स्टैटिक मेंबर फंक्शन इन C++। ये जो दो टॉपिक है, किसी मेंबर डेटा और मेंबर फंक्शन को, जैसे हम जानते हैं कि क्लास में डेटा होता है जिन्हें हम वेरिएबल कहते हैं, और उन वेरिएबल्स या डेटा को यूज करने वाले फंक्शंस होते हैं। तो ये जो वेरिएबल और फंक्शन है वो किसी क्लास के मेंबर्स कहलाते हैं। तो हम यहाँ पर उन्हीं मेंबर्स की बात कर रहे हैं कि आप किसी डेटा या वेरिएबल को स्टैटिक बना सकते हैं और किसी फंक्शन को स्टैटिक बना सकते हैं। अब बात आती है, स्टैटिक क्यों बनाया जाए? जब भी आप कोई क्लास को डिफाइन करते हैं और उस क्लास को एक्सेस करने के लिए हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, और जब आप किसी क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट अगर क्रिएट करते हैं, तो उस क्लास के जितने मेंबर्स हैं, चाहे वो फंक्शन चाहे वो वेरिएबल, वो सभी उन ऑब्जेक्ट्स में एज इट इज आ जाते हैं। तो अगर माना आपने वो एक क्लास क्रिएट किया और उसके आपने 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, तो उस क्लास के अंदर जो भी वेरिएबल और फंक्शन है, जो भी वेरिएबल है, वो सभी उन तीनों ऑब्जेक्ट्स में आ जाएगा। तो कैसे, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि माना कोई क्लास है, क्लास एबीसी, और इसके 3 वेरिएबल आपने परिभाषित किए, ए बी और सी। अब आपने इस क्लास का 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, एक्स वाई और जेड। तो इस एक्स के अंदर ये तीनों वेरिएबल ए बी और सी आ जाएगा, इस y के अंदर भी तीनों वेरिएबल a, b और c आ जाएगा, और इस z के अंदर भी तीनों वेरिएबल a, b और c आ जाएगा। तो जो क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होता है वो किसी क्लास का ब्लूप्रिंट होता है, और आपने जितने भी वेरिएबल्स क्लास में परिभाषित किए, अब आपने कई ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए, हर एक ऑब्जेक्ट में उन वेरिएबल की एक कॉपी क्रिएट हो गई। तो इस x में भी एबीसी की एक कॉपी क्रिएट हो गई, y में भी एबीसी की एक कॉपी क्रिएट हो गई, और z में भी एबीसी की एक कॉपी क्रिएट हो गई। पर अगर आप चाहते हैं कि हर ऑब्जेक्ट के लिए वो कॉपी क्रिएट ना हो, एक कॉमन कॉपी हो, एक कॉमन वेरिएबल हो जो कि सभी ऑब्जेक्ट्स के द्वारा शेयर किया जाए, तो ऐसा कॉमन वेरिएबल को बनाने के लिए आप किसी क्लास के अंदर वेरिएबल को स्टैटिक परिभाषित करते हैं, और यही वेरिएबल जो है स्टैटिक वेरिएबल कहलाता है। अर्थात किसी क्लास के वेरिएबल को कॉमन टू ऑल ऑब्जेक्ट्स, सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए कॉमन या ग्लोबल बनाने के लिए, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो वेरिएबल होगा वो ग्लोबल टू ऑल ऑब्जेक्ट्स या फिर यूनिक टू ऑल ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए हम स्टैटिक वेरिएबल परिभाषित करते हैं। और ऐसा वेरिएबल स्टैटिक परिभाषित होता है किसी वेरिएबल के सामने जब हम स्टैटिक कीवर्ड लगा देते हैं। तो स्टैटिक वेरिएबल का क्या अर्थ हुआ? फिर से, स्टैटिक वेरिएबल, किसी वेरिएबल को स्टैटिक बनाने के लिए हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज करते हैं, और ऐसा वेरिएबल कॉमन टू ऑल ऑब्जेक्ट्स या ग्लोबल टू ऑल ऑब्जेक्ट्स या यूनिक टू ऑल ऑब्जेक्ट्स हो जाता है। जैसे यहां पर अगर आपने एक वेरिएबल ले लिया डी, और इसे आपने स्टैटिक परिभाषित कर दिया, एबीसी तीनों वेरिएबल तीनों ऑब्जेक्ट्स में आ गया, ये जो डी है ये भी एबीसी का मेंबर है, तो ये भी एक्स वाई जेड तीनों ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। पर चूंकि ये स्टैटिक है, तो यहाँ हम 3 कॉपी ना क्रिएट करके एक ही कॉपी क्रिएट करेंगे, और ये सारे ऑब्जेक्ट्स इस कॉपी को शेयर करेंगे। तो यहाँ पर ये जो डी है वो स्टैटिक वेरिएबल है, कॉमन टू ऑल ऑब्जेक्ट्स एक्स वाई एंड जेड, या यूनिक टू ऑल ऑब्जेक्ट्स या ग्लोबल टू ऑल ऑब्जेक्ट्स। तो जनरली हमें स्टैटिक वेरिएबल की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि कभी कभी हमें ऐसे वैल्यू की आवश्यकता पड़ती है जो सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए या क्लास के लिए एक बराबर रहे, समान रहे। और अगर आपने स्टैटिक नहीं परिभाषित किया, तो भाई ये भी वेरिएबल है एबीसी, यहाँ पर भी वेरिएबल है एबीसी, और यहाँ पर भी वेरिएबल है एबीसी। जब आप एक्स के थ्रू एबीसी को रीड करेंगे, और जब आप वाई और जेड के थ्रू सेपरेटली एबीसी को रीड करेंगे, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप इस x के थ्रू a में जो वैल्यू देंगे वही उस y के थ्रू a में आप वैल्यू देंगे, या वही वो y के z के थ्रू a में वैल्यू देंगे। तीनों वैल्यू अलग अलग होगा, पर अगर आप स्टैटिक वेरिएबल में कोई काम करेंगे, तो वो किसी भी
ऑब्जेक्ट के लिए अलग नहीं होगा, वो सभी ऑब्जेक्ट के लिए एक समान होगा। तो जब हमें ऐसे कुछ कॉमन वैल्यूज को शेयर करने की जरूरत पड़ती है तो हम उस वेरिएबल को, क्लास के वेरिएबल को स्टैटिक परिभाषित करते हैं। तो ये जो है, किसी वेरिएबल को स्टैटिक परिभाषित करने का जो सिंटेक्स बनता है वो इस प्रकार से बनता है। जब भी हम कोई क्लास परिभाषित करते हैं, क्लास, उसके बाद क्लास नेम दिया जाता है, उस क्लास के अंदर कई वेरिएबल परिभाषित किया जाता है। अगर आपको किसी वेरिएबल को स्टैटिक परिभाषित करना हो तो उसके सामने हम कीवर्ड लगाते हैं स्टैटिक, फिर उस वेरिएबल का डेटा टाइप लिखा जाता है और फिर उस वेरिएबल का नाम लिखा जाता है। फिर आगे जो भी फंक्शन आपको बनाना है आप बना सकते हैं और जो जितना वेरिएबल परिभाषित करना है कर सकते हैं। ये जो स्टैटिक वेरिएबल बनता है इसकी एक प्रॉपर्टी होती है जो ये है कि ये स्टैटिक वेरिएबल हमेशा जीरो से इनिशियलाइज होता है। स्टैटिक वेरिएबल इनिशियली जीरो से इनिशियलाइज होता है, अर्थात जैसे ही आपने किसी वेरिएबल को स्टैटिक परिभाषित कर दिया, एग्जांपल के लिए आपने एक वेरिएबल लिया ए और इसको आपने, या ये डी की बात कर ले, हमने आपने इसे एक स्टैटिक वेरिएबल परिभाषित किया इंटीजर डी, तो आप जैसे ही इस डी जो का जो है किसी क्लास को बिलोंग करता है और उस क्लास का आप जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ये जो वेरिएबल है डी, ये जीरो से इनिशियली इनिशियलाइज हो जाएगा। जीरो के अलावा ये किसी और वैल्यू से इनिशियलाइज नहीं होता है। और ये जो स्टैटिक वेरिएबल है इसे जब आप किसी फंक्शन में, मेन फंक्शन में जब आप इनका उपयोग करेंगे या इन क्लास ऑब्जेक्ट्स के थ्रू वैल्यूज को रीड करेंगे तो इसको आपको ग्लोबली डिफाइन करना पड़ता है मेन फंक्शन के ऊपर। इसके लिए हम जब एग्जाम्पल देखेंगे तो और समझेंगे इस बात को। तो इस प्रकार से आप किसी वेरिएबल को स्टैटिक परिभाषित कर सकते हैं। किसी वेरिएबल को स्टैटिक परिभाषित करना मतलब उसे यूनिक टू ऑल ऑब्जेक्ट्स, ग्लोबल टू ऑल ऑब्जेक्ट्स या कॉमन टू ऑल ऑब्जेक्ट्स बनाना। अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो है हमारा स्टैटिक मेंबर फंक्शन। स्टैटिक मेंबर फंक्शन जो है जैसे कि आपने देखा कि हमने एक स्टैटिक वेरिएबल परिभाषित किया, ये जो स्टैटिक वेरिएबल है जब ये किसी क्लास में उपयोग होगा तो इसे उपयोग करने के लिए आपको एक फंक्शन परिभाषित करना पड़ेगा जो क्या होगा, स्टैटिक होगा। और ये जो स्टैटिक फंक्शन होगा ये किसी स्टैटिक वेरिएबल का ही उपयोग करेगा। तो यहां पर स्टैटिक मेंबर फंक्शन की हम बात कर रहे हैं। स्टैटिक मेंबर फंक्शन मतलब एक फंक्शन होगा जो कि उसी क्लास का मेंबर होगा और उसे आप स्टैटिक बनाएंगे। तो हमें स्टैटिक फंक्शन की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि आपने अपने क्लास में एक स्टैटिक वेरिएबल लिया हुआ है या एक वेरिएबल को जब आपको यूज करना है तो उसके लिए आपको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जो कि स्टैटिक होगा। और स्टैटिक फंक्शन हमेशा स्टैटिक वैल्यूज को ही यूज करता है, चाहे वो स्टैटिक वेरिएबल हो चाहे वो स्टैटिक फंक्शन हो। तो स्टैटिक वेरिएबल का यूज करने के लिए स्टैटिक फंक्शन बनाना जरूरी है और ये फंक्शन उसी क्लास के स्टैटिक वेरिएबल या स्टैटिक फंक्शन को एक्सेस करता है। किसी फंक्शन को स्टैटिक बनाने के लिए सेम हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज करते हैं। जब हम फंक्शन को परिभाषित करते हैं तो उसके सामने हम स्टैटिक कीवर्ड अप्लाई करते हैं। इसका जो सिंटेक्स है वो इस प्रकार से रहता है। माना कोई क्लास है, क्लास नेम, इस क्लास के अंदर सिंपल वेरिएबल के साथ साथ आपका एक स्टैटिक वेरिएबल भी है। इस स्टैटिक वेरिएबल को यूज करने के लिए आपको एक फंक्शन अवश्य बनाना पड़ेगा जो क्या होगा, स्टैटिक टाइप का होगा। तो किसी फंक्शन को स्टैटिक बनाने के लिए हम स्टैटिक कीवर्ड अप्लाई करते हैं, फिर उस फंक्शन का जो भी रिटर्न टाइप आपको रखना है आप वो रिटर्न टाइप रखते हैं, फिर आप फंक्शन का नाम लिखते हैं और
उसके अंदर अगर आपको आर्गुमेंट देना है तो आप आर्गुमेंट देते हैं। इस प्रकार से आप किसी फंक्शन को परिभाषित करते हैं, और चाहे तो आप फंक्शन की बॉडी क्लास के अंदर दे, चाहे आप फंक्शन की बॉडी क्लास के बाहर दे। तो इस प्रकार से किसी स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए आप एक स्टैटिक फंक्शन बनाते हैं, और ये फंक्शन उसी क्लास के स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करता है, इसलिए ये स्टैटिक मेंबर फंक्शन कहलाता है। ये जो स्टैटिक फंक्शन तैयार होता है, ये सिंपल फंक्शन की भांति ऑब्जेक्ट के द्वारा कॉल नहीं किया जाता, इसे हम क्लास नेम के द्वारा कॉल करते हैं। अर्थात जैसे जनरली आपने कोई फंक्शन बनाया किसी क्लास के अंदर, और उसको अगर आपको मेन फंक्शन में यूज करना है तो पहले आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उस ऑब्जेक्ट के थ्रू उस फंक्शन को कॉल करते हैं। पर ये जो स्टैटिक फंक्शन है, इसे आप ऑब्जेक्ट नेम के थ्रू कॉल नहीं करते, आप इसे डायरेक्ट क्लास नेम के थ्रू कॉल करते हैं। तो ये हमारी एडवांटेज है या प्रॉपर्टी है स्टैटिक मेंबर फंक्शन और स्टैटिक डेटा मेंबर की। इसको समझने के लिए हम एक प्रोग्राम कंसिडर करते हैं और इसे और अच्छे से समझते हैं। एक सिंपल एग्जांपल लेंगे हम C++ प्रोग्राम का, जिसमें हम किसी प्रोडक्ट के कोड और उसके प्राइस को रीड करेंगे। साथ ही साथ जब हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो हमने कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए उसकी हम काउंटिंग करेंगे, और इस काउंटिंग को करने के लिए, चूंकि ये जो काउंटिंग है वो सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए कॉमन होगी, क्योंकि भाई ऑब्जेक्ट तो एक दो या तीन क्रिएट हो रहा है तो हमें गिनती होनी चाहिए, तो ये हम स्टैटिक वेरिएबल के थ्रू करेंगे, और इंफॉर्मेशन को प्रिंट करने के लिए हम एक स्टैटिक फंक्शन का यूज करेंगे। एग्जांपल को समझते हैं C++ में। मानो कोई क्लास है, क्लास प्रोडक्ट। अब इस प्रोडक्ट का आपको कोड और नेम और माना प्राइस को रीड करना है, तो प्राइस में भी फ्लोट हो सकता है। अब आपको काउंट करना है, तो आपने एक वेरिएबल परिभाषित किया कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए, काउंट नाम का, जो काउंट गिनती इंटीजर होगी, और ये जो वेरिएबल होगा ये स्टैटिक होगा। यहाँ पर हमने काउंट नाम के वेरिएबल को स्टैटिक बनाया। अब आप मे बी मोड चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट ये प्राइवेट मोड में परिभाषित हुआ है। आपने एक फंक्शन बनाया void get data और एक void display जो कि इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करेगा, और एक फंक्शन आपने बनाया स्टैटिक फंक्शन, स्टैटिक void डिस्प्ले काउंट, जो कि आपके ऑब्जेक्ट के वैल्यूज को डिस्प्ले करेगा। अब आपने इस क्लास को यहाँ क्लोज कर दिया। वन बाय वन आप फंक्शन को परिभाषित करेंगे। सबसे पहला फंक्शन है हमारा गेट डेटा। गेट डेटा जो है प्रोडक्ट नाम के क्लास को बिलोंग करता है, उसका रिटर्न टाइप void है, तो void गेट डेटा स्कोप रेजोल्यूशन, सॉरी void क्लास नेम जो है आपका प्रोडक्ट स्कोप रेजोल्यूशन गेट डेटा। इस गेट डेटा के थ्रू आप इस प्रोडक्ट के नेम कोड और प्राइस को रीड करेंगे। इसके लिए आपने एक सिंपल मैसेज दिया सी आउट एंटर कोड नेम एंड प्राइस, सी इन कोड नेम और प्राइस को आपने रीड कर दिया। इस फंक्शन का काम खत्म हो गया। नेक्स्ट आपने डिस्प्ले नाम के फंक्शन को परिभाषित किया, ये भी प्रोडक्ट नाम के क्लास को बिलोंग करता है, इसका रिटर्न टाइप void है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और डिस्प्ले जो कि सिंपली इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कर देगा, सी आउट उस प्रोडक्ट के कोड को डिस्प्ले करेगा, स्लैश की ले लिया कि सबके बीच एक स्पेस आ जाए, फिर वो नेम को डिस्प्ले करेगा, फिर आपने स्लैश की ले लिया, और फिर वो प्राइस को डिस्प्ले करेगा, और आपने दे दिया एंडल। एक प्रोडक्ट की जानकारी को प्रिंट करने के बाद वो उसे बंद कर देगा। ये हुआ आपका डिस्प्ले फंक्शन। डिस्प्ले फंक्शन से आपने उस प्रोडक्ट की जानकारी को रीड कर लिया। अब आपको डिस्प्ले काउंट नाम के फंक्शन को बनाना है। ये डिस्प्ले काउंट नाम का फंक्शन जो है स्टैटिक फंक्शन है, इसे आप परिभाषित करेंगे किस क्लास को बिलोंग करता है,
प्रोडक्ट नाम के क्लास को, इसका रिटर्न टाइप है void, तो void product display count, अब इसके थ्रू यहां आपको एक काउंट नाम के वेरिएबल को प्लस प्लस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा इसे हम समझेंगे, और इसके बाद आपने यहां पर सी आउट मैसेज दे दिया, सी आउट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इक्वल टू काउंट नाम के वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कर दी। अब मेन फंक्शन बनाएंगे। मेन फंक्शन जब आप बनाते हैं तो आपका जो स्टैटिक वेरिएबल है जिसे आपने स्टैटिक बनाया है उसे आपको ग्लोबली डिफाइन करना पड़ता है। वो कौन से क्लास को बिलोंग करता है, प्रोडक्ट, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, और यहां पर हम लिखते हैं वेरिएबल का नाम, वेरिएबल का नेम है हमारा काउंट। तो इस प्रकार से आपने मेन फंक्शन के ऊपर इस काउंट नाम के वेरिएबल को क्या किया है, ग्लोबली परिभाषित किया है। क्यों हमें परिभाषित करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि ये जो है वेरिएबल किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए नहीं है, ये सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए है, और तो ये उस किसी एक ऑब्जेक्ट का नाम होकर सभी ऑब्जेक्ट का है, इसलिए आपने उसे मेन फंक्शन के ऊपर ग्लोबली परिभाषित किया है। फिर आप मेन फंक्शन बनाएंगे void main, सिंपली आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया माना प्रोडक्ट नाम के क्लास का x, y और z। अब आपने x के थ्रू गेट डेटा को कॉल किया, y के थ्रू गेट डेटा को कॉल किया, और z के थ्रू गेट डेटा को कॉल किया। जब आपने x, y और z के थ्रू गेट डेटा को कॉल किया तो ये गेट डेटा का नाम का फंक्शन कॉल हो रहा है। जब पहली बार कॉल हुआ तो उसने नो कोड नेम और प्राइस को रीड किया, और काउंट की जो इनिशियल वैल्यू थी, जो कि स्टैटिक वेरिएबल इनिशियली जीरो से इनिशियलाइज होता है, तो इनिशियल वैल्यू को उसने काउंट प्लस प्लस अर्थात जीरो बराबर जीरो प्लस वन कर दिया, अर्थात काउंट की वैल्यू क्या हो गई, पहली कॉल में वन हो गई। इसके बाद आपने दोबारा वाई ऑब्जेक्ट के लिए गेट डेटा कॉल किया, ये फिर से गेट डेटा कॉल हुआ। चूंकि काउंट जो है स्टैटिक वेरिएबल है तो इसकी वैल्यू फिर से इनिशियलाइज नहीं होगी, ये वन कंसिडर करते हुए फिर से कोड नेम और प्राइस को रीड करेगा और काउंट की वैल्यू वन बराबर वन प्लस वन करके उसे टू कर देगा, अर्थात नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने क्रिएट हुए, दो। इसके बाद जेड के थ्रू जब आप गेट डेटा को कॉल करेंगे तो ये फिर से उन इन्फॉर्मेशन को रीड करेगा और काउंट की वैल्यू को थ्री कर देगा। तो चूंकि यहाँ आपने तीन ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, तीन बार काउंट वेरिएबल इंक्रीज हुआ है, और ये वन जीरो से वन, वन से टू, टू से थ्री, इस प्रकार से काउंट वेरिएबल की जो फाइनल वैल्यू बन गई वो तीन, और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट भी हमने क्रिएट किया है तीन। अब अगर आपको नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट की संख्या को जानना है तो उसके लिए आपके पास एक डिस्प्ले काउंट नाम का स्टैटिक फंक्शन है, जो कि उस स्टैटिक वेरिएबल को यूज करने के लिए बनाया गया है। आप इस डिस्प्ले काउंट नाम के स्टैटिक फंक्शन को कॉल करेंगे, और हम जानते हैं कि स्टैटिक फंक्शन जो है क्लास नेम के थ्रू कॉल होता है, तो क्लास नेम है प्रोडक्ट, फिर स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और डिस्प्ले काउंट। इस प्रकार से आपने डिस्प्ले काउंट नाम के फंक्शन को कॉल हुआ, इससे आपके नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है और काउंट की जो वैल्यू है वो प्रिंट हो गई, अर्थात नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स थ्री प्रिंट हो गए। अब अगर आपको इन इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करना है तो डिस्प्ले नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे, तो एक्स डॉट डिस्प्ले से एक्स ऑब्जेक्ट के थ्रू जो वेरिएबल की वैल्यू रीड की है वो डिस्प्ले हो जाएगा, वाई डॉट डिस्प्ले से वाई ऑब्जेक्ट के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन रीड किया है वो, और जेड डॉट डिस्प्ले से जेड ऑब्जेक्ट के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन आपने कॉल किया है वो प्रिंट हो जाएगा, और फाइनली आपका प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एक्स, वाई और जेड, इन तीनों ऑब्जेक्ट्स में आपके जो तीन वैल्यूज थे वो तो तीनों के लिए अलग अलग थे, कोड नेम और प्राइस, यहां पर भी कोड नेम और प्राइस, और यहां पर भी कोड नेम और प्राइस, पर जो आपका काउंट नाम का वेरिएबल था वो तीनों ऑब्जेक्ट्स के लिए कॉमन था, जो कि ये काउंट कर लिया कि कितने टोटल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए। तो ये प्रॉपर्टी है हमारे किसी स्टैटिक डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन की। इस प्रकार से आप
कॉमन टू या ग्लोबल टू ऑल ऑब्जेक्ट्स किसी वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हैं और उन वेरिएबल को किसी स्टैटिक फंक्शन के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं।